अब परमात्मा के 27 भव शुरू होते हैं। हम ये जान चुके हैं कि जब भी पहली बार समयकत्व आएगा आपकी भव गिनती शुरू हो जाएगी। तो परमात्मा के सबसे पहले भव में उनको समयकत्व हुआ। अब वो हुआ और कब कब वो निकल गया वो देखेंगे, लेकिन पहले जिस वक्त उनको सम्यक दर्शन हुआ उसी भव से गिनती शुरू हो गई है। अब वो नियत से इतने ही भव रहेंगे और ये भव के बाद उनका मोक्ष होगा। तो जो भी व्यक्ति की सम्यक दर्शन आ जाएगा जो भव में, वहां से उसकी भव गिनती शुरू हो जाएगी। पहले भव में पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में प्रभु का नयसार नाम के एक ग्रामाधीश नामे वो कि कोई ग्रामाधीश के नौकर थे, बराबर एक नौकर थे वो, और नयसार नाम था उनका। और उस समय जंगल में वो काष्ठ लेने के लिए गए और मध्याह्न होने के समय पे वो भोजन करने के लिए आया। तो भोजन करने के लिए बैठे तो वो तब ये ऐसा कोई एक देव योग से उसी समय पे कुछ साधु रास्ता भूल चुके थे और जंगल में भटक रहे थे। वे साधु उनको दिखाई दिए, उनको ये उन्होंने भी नयसार को देखा और देखकर बहुत खुश हो गए। चलो हम भटक रहे हैं, कोई मिला तो कोई, अब हम इसी से रास्ता पूछ लेते हैं। तो ये सोच के वो नयसार के पास आए। नयसार भी खुश हो गया कि अरे महात्मा पधारे हैं, चलो अब मुझे भोजन के साथ में भी किसी का लाभ मिलेगा, कोई मेरे साथ भोजन करेगा। तो वो भी बड़ा खुश हो गया। बड़े आदर से और हर्ष सत्कार करके नयसार ने उन मुनियों को आहार पानी के लिए पूछा और दान दिया, भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद मुनियों को उसने नमस्कार किया और बोला कि आप आज मेरे महाभाग्य है जो मैंने आपको आहार पानी का आपने मुझे लाभ दिया है, तो अब बताइए आपको कोई मेरे लिए आज्ञा हो तो बताइए। अब मुनियों ने कहा कि भाई हम तो रास्ता भूल चुके थे, आप मिले, आपके साथ भोजन भी किया है, अब अगर आप हमें रास्ता बता दोगे तो अच्छा है। तो नयसार साथ में जाता है क्योंकि उसको तो रास्ता पता ही है। तो वो मार्ग में चलते चलते चलो मैं आपको बता देता हूँ, वो साथ में चल रहा है। चलते चलते मुनियों ने भी उसको कुछ योग्य समझा क्योंकि उसी ने सामने से नयसार ने जो भी अहोभाव बताए थे उससे वो योग्य ही लगा। और मुनियों को भी योग्यता जानकर उससे बातचीत मुनियों ने शुरू कर ली। रास्ते में बातचीत करते 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 धर्मोपदेश देते गए मुनि और समकित प्राप्त करा दिया, क्योंकि मुनियों ने ये बताया कि भाई तू हमको ये जंगल से बाहर निकाल, यहाँ से अटवी का रास्ता तू बता रहा है तो हम भी तुमको संसार अटवी से बाहर निकालने का रास्ता बताएंगे। अगर तुम्हें ये संसार अटवी से बाहर आना हो तो तुम जरूर ये रास्ते पे चलो। नयसार भी समय आ गया था, निमित्त तैयार हो चुका था। नयसार ने भी हाथ जोड़ के उनसे संसार अटवी से बाहर निकलने का रास्ता लिया और वहां पे उसको सबसे पहले नौकार मंत्र का दान मिला और नौकार मंत्र का स्मरण कराया और नौकार मंत्र उन मुनियों ने उनको दिया और ये पाठ करने के लिए उसको रोज बोला। ये रोज अपने समय से नौकार मंत्र का स्मरण कर रहा है, पाठ कर रहा है। ऐसे करते करते अंत समय तक नौकार मंत्र स्मरण करने से वो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद सौधर्म देवलोक में पल्ल्योपम की आयु वाला देव बना। अब देखिए, अब ये नौकार के प्रभाव से वो एक पल्ल्योपम की आयु वाला सौधर्म देवलोक में पहले देवलोक में देव बना है। वहां से आयु पूर्ण करके तीसरे भव में, ये उनका दूसरा था, तीसरे भव में वो मरीचि नाम के नाम से भरत चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अब वैराग्य, यहाँ भी वैराग्य प्राप्त हुआ। दादा आदेश, भरत चक्रवर्ती के नौ पुत्र थे तो आठों पुत्र ने भी दीक्षा ले ली थी, इसने भी दीक्षा ले ली, पर दीक्षा ऋषभदेव भगवान के पास ली और स्थविरों के पास एकादशांगी का अध्ययन तक किया। 12 अंग नहीं किए उसने, 11 ही अंग का अध्ययन किया। और जब वो एक दिन ग्रीष्म काल के ताप से, बहुत ही गर्मी थी और वो गोचरी लेने निकला होगा तो इतने ताप से उसके पैर पीड़ित हो गए, ये पीड़ित हो गया, तब शरीर पीड़ित हो गया, तब उसने सोचा कि भाई मेरे से अब ये संयम काल धारण मुश्किल हो रहा है, ये गर्मी मेरे से सहन नहीं हो रही है। तो ये सोच के
उसने संयम धारण करना दुष्कर है मेरे लिए, तो मैं ऐसे संयम तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये सोच के उसने मध्य का रास्ता निकाला है और कष्टमय जीवन मेरे से नहीं बीतेगा, तो सर्वथा तो मैं ये वेश परित्याग नहीं कर सकता, पर मैं एक अलग से वेश जरूर धारण करूंगा। ये सोच के उसने एक नूतन वेश निर्माण किया और ये समझकर कि साधु तो मन वचन काया से त्रिदंड रहित होता ही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए उसने त्रिदंड का चिन्ह ले लिया, हाथ में त्रिदंड धारण कर लिया, बराबर एक त्रिदंडक रख लिया और द्रव्य भाव से मुंडित साधु रहते, पर मुझे मुंडन नहीं करना है, जो जो कष्टदायक था वो सब उसने छोड़ दिया, उसने मुंडन करना छोड़ दिया। सिर पर चोटी रख ली, देखिए उसने सिर पर चोटी भी रखी है, और क्षूर मुंडन स्वीकार किया, अस्त्रा से मुंडन, क्षूर का मतलब अस्त्रा से मुंडन कर रहा है, पीछे की चोटी वो रख रहा है। उसने निश्चय किया कि साधु सर्व प्राणातिपात की वृत्ति रखते हैं, वो सर्व प्राणातिपात की वृत्ति रखते हैं, लेकिन मैं स्थूल प्राणातिपात की वृत्ति रखूंगा। मतलब आधा श्रावक जैसा भेष हो गया ना, पूरा श्रावक का भेष हो गया, इसलिए उसने स्थूल प्राणातिपात वृत्ति का व्रत रख लिया। साधु शील सुगंधित है, मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए चंदन आदि का लेप करूंगा। तो अब वो चंदन का लेप कर रहा है कपाल पे और सब पे, बराबर। तो मुनिराज तो मोह रही थे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक छत्र भी रखूंगा। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये आज के जो शंकराचार्य जी या ये जो हिंदू साधु सनातनी साधु है उनके जैसी आपको ये पूरी वक्तव्यता नहीं लग रही, बताओ। आज के जो जगत गुरु है, आज के जो शंकराचार्य है, लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। और आदेश्वर भगवान के समय में ऐसे कोई और धर्म गुरु थे, ये भी तो कहीं आया नहीं, बराबर। तो ये बाद में ही हुए ना, तो मरीचि ने ये रास्ता निकाला, ऐसा नहीं लग रहा है? मरीचि ने ये रास्ता निकाला, देखो, घर रखना, फिर छत्तर रखना और चोटी रखना, बाकी का अस्त्रा से बाकी का दाढ़ी मूछ और बाकी मुंडित करना, और पग में वो चप्पल या पावड़ी पहनना, ये सारा उसी का ही लग रहा है ना, बताओ। मुनि नंगे पैर रहते हैं, लेकिन मैं तो पैरों में जूती भी रखूंगा। मुनि कषाय रहित होते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास काषाय वस्त्र रखूंगा। काषाय वस्त्र मतलब कि अलग अलग रंग बिरंगी ऐसे वस्त्र। मुनि स्नान से रहित है, लेकिन मैं स्नान भी करूंगा रोज, मैं तो परिमित जल से स्नान किया करूंगा। इस प्रकार से उसने अपनी बुद्धि से मरीचि ने परिव्राजक का वेश कल्पित कर लिया। ये परिव्राजक वेश है और यही सनातन धर्म के साधुओं की यहाँ से ही टीम शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले तो आदिनाथ भगवान थे और उनके ही दीक्षित साधु थे, बराबर। और उससे पहले तो युगलिक काल था, है ना? तो ये साधु परंपरा या ये परंपरा जो आज हम देख रहे हैं, जैसे कि ये स्वाध्यायी देख रहे हैं, जैसे कि ये आपको संत महात्मा हिंदू समाज के दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार की वेशभूषा के हैं, है ना? तो ये यहीं से शुरू हुआ है, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आओ आगे। अब नए वेशधारी को देखकर अनेक मनुष्य उसके पास जाकर उससे धर्म पूछने लगे। अब धर्म भी तो कौन सा धर्म है, क्योंकि आदिनाथ भगवान से तो ये अलग हो चुका है। तो मरीचि ने उन लोगों के समक्ष साधु धर्म की व्याख्या करता है। उपदेश शक्ति बलवती होने से अनेक राजपुत्रों को प्रतिबोधित करके भगवान को शिष्यतया प्रदान करता है और प्रभु आदिनाथ स्वामी के साथ ही विचरता है। अब जो भी उसके पास आता है सबको भेजता, तो वो भगवान के पास ही है, शिष्य तो वो भगवान का ही बना रहा है और भगवान के साथ ही विचरण कर रहा है। देखिए कैसा कर रहा है वो, देखिए साधु धर्म की व्याख्या भी कर रहा है, बोलने में मास्टर है वो, बोलने में उसकी स्पीच बहुत अच्छी है। तो उपदेश बराबर देता है और वहां पे भेजता है सबको, शिष्यवृत्ति तो वो भगवान की ही बढ़ा रहा है।
एक समय प्रभु अयोध्या में समव शरण में बैठे थे। वंदन करने के बाद भरत ने ऐसा पूछा भगवान से, भरत चक्रवर्ती जी ने, कि भाई स्वामी प्रभु, आप ये सभा में कोई ऐसे मनुष्य दूसरे हैं जो इस भरत क्षेत्र में आपकी तरह ही तीर्थंकर होने वाले हैं? इस 24 में से कोई तीर्थंकर होगा आपकी तरह ही? यहाँ कोई ऐसा जीव है ये सभा में? तब भगवान ने जवाब दिया कि तेरा पुत्र मरीचि इस वर्तमान अवसर पीढ़ी में वीर नाम के 24वें तीर्थंकर होने वाला है, और ये मात्र तीर्थंकर ही नहीं, विदेह क्षेत्र में मुका राजधानी में प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती भी होगा, ठीक है, और इस भरत क्षेत्र में प्रथम वासुदेव भी होगा। देखिए, ये जो है परमात्मा महावीर स्वामी का जीव, सब कुछ बना है। देखिएगा, ये तीर्थंकर भी बने हैं, ये चक्रवर्ती भी बने हैं, ये वासुदेव भी बने, बराबर। महाविदेह क्षेत्र में वो चक्रवर्ती बने, मुका राजधानी में प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बने, और यहाँ पे वो वासुदेव बने। वासुदेव का नाम था ना, वासुदेव का नाम याद आ रहा है? आवश्य आवश्य भूली गया, आज काले जी याद आई तू ना। चल, हाँ ना ना, हाँ त्रिपृष्ठ वासुदेव, यस त्रिपृष्ठ वासुदेव। अब यहाँ वो त्रिपृष्ठ वासुदेव बनेंगे और प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बनेंगे और वीर प्रभु नाम से तीर्थंकर बनेंगे। एक ही जीव, उसने सारी तीनों चीज ली है। ये सुनकर हर्षित हुआ मरी भरत। अब भरत राजा तो बहुत खुश हो गया, वो क्या सोच रहा है, मेरे पिता भी तीर्थंकर और मेरा पुत्र भी तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर, तो ये तो खुशी हो जाएगा ना। तो जाकर तीन प्रदक्षिणा देते हैं मरीचि के और कहते हैं कि हे मरीचि, संसार में जितने श्रेष्ठ पद है वो सब तूने ही प्राप्त कर लिए। देखिए कितना खुश होता है आज एक बाप, है ना, वो अपने बेटे को देखकर खुश हो रहा है कि जितने भी श्रेष्ठ पद है, तीर्थंकर पद, वासुदेव पद और चक्रवर्ती पद, ये तीनों के तीनों अच्छे पद है। वो प्रति वासुदेव नहीं बने, लेकिन तीनों के तीनों अच्छे पद लिया है, तो तीन तीन पद का धारक तू मेरा बेटा, और तूने सारे के सारे पद तूने ही धारण कर लिए। अब मरीचि को यहाँ तक तो मालूम नहीं कि वो तीनों बनने वाला है आगे, बराबर, क्योंकि तू अंतिम तीर्थंकर बनेगा, पहला वासुदेव बनेगा, प्रथम वासुदेव बनेगा और चक्रवर्ती भी बनेगा। तो ये मैं तेरे पारिव्राजक वेश को वंदन नहीं कर रहा हूँ, किंतु तू भावी काल में अंतिम तीर्थंकर होने वाला है, इस अपेक्षा से मैं तुम्हारे भावी तीर्थंकर के जीव को नमस्कार कर रहा हूँ। और ऐसा करके वो मरीचि की उन्होंने स्तुति की और भरत अपने स्थान पर चले गए। देखिए यहाँ एक बात और समझनी है आपको, भरत राजा अंतिम अंतिम भवी है, चरम भवी है, इसी भव में वो केवली होने वाले, इसी भव में वो बिना दीक्षा श्रावक पणे में केवली होने वाले, उनके सारे कर्म इतने क्षय हो चुके थे अब तक कि वो बिल्कुल निखालस थे। बोलो, अगर निखालस नहीं होते तो ऐसा करते? सोचो आप, पॉसिबल है किसी के, किसी भी पिता के लिए अपने पुत्र को ही इस प्रकार से वंदन करना? नहीं, पॉसिबल नहीं, और वो भी एक चक्रवर्ती राजा। एक चक्रवर्ती राजा अपने पुत्र को, जो एक विचित्र वेश बनाकर बैठा है, जो अभी आज तो साधु समुदाय से भी साधु का नहीं पर वो साधु से भी अलग निकल कर बैठा हुआ है, चारित्र आधा छोड़ के बैठा हुआ है, अगर भरत राजा सरल नहीं होते तो ये कर ही नहीं पाते, ये समझना। तो श्रावकपणा में राग द्वेष निकल जाने के कारण उनकी स्थिति बिल्कुल सूक्ष्म कषायी हो गए थे, वो संज्वलन कषायी हो चुके थे, यही कारण थे कि उन्होंने जाके मरीचि को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा तक दे दी। आप सोचो, तो ये इन्होंने सारी चीज सरलता के कारण की। अब सरलता, वो सरल थे लेकिन मरीचि सरल नहीं थे ना, मरीचि सरल नहीं थे, तो मरीचि ने ये, इसका इसका क्या रिजल्ट हुआ आप ये सोचो,
इसका रिजल्ट ये हुआ कि मरीचि अपने भावी को जान के कि अरे मैं तीर्थंकर, मैं बनूंगा, मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं वासुदेव बनूंगा, क्या मेरा कुल, मेरे दादा भी वासुदेव, मेरे दादा पहले तीर्थंकर, मेरे पिता भरत चक्रवर्ती, मेरे पिता भी चक्रवर्ती, दादा तीर्थंकर और मैं खुद तीनों बनूंगा चक्रवर्ती, तो क्या मेरा कुल है, अरे वाह मेरे इतना उत्तम कुल और मेरे अंदर इतने इतनी उत्तम शक्तियां हैं कि मैं ये सारी चीजों को लेकर एक ऐसे कुल में पैदा हुआ, उसको अहंकार आ गया। ये सोचते सोचते, ये बात सुनने के बाद मरीचि खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और हर्ष के आवेश में वो त्रिपदी है ना, त्रिपदी थी ना उसके हाथ में दंड, वो पछाड़ पछाड़ के वो नाचने लगा और नाचते 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 वो इस प्रकार से गाने लगा। देखिए सुनिए वो क्या शब्द है वो बोल रही हूँ मैं प्राकृत भाषा के, वो जानिए। प्रथमो वासुदेवो हम, मैं पहला वासुदेव, मुकायाम चक्रवर्ती अहम, मुका नगरी में मैं चक्रवर्ती बनूंगा, परम तीर्थ राजो अहम, मैं चरम तीर्थ राजो अहम, मैं अंतिम तीर्थंकर बनूंगा, ममा हो उत्तमम कुलम, मेरा कुल कितना उत्तम है आप सोचिए, मेरा कुल इतना उत्तम है। आद्यो हम वासुदेवा नाम, पिता में चक्रवर्ती नाम, मेरे दादा कौन, मेरे दादा कौन, वो आदि आदि तीर्थंकर और मेरे पिता चक्रवर्ती, पिता महो जिनेन्द्राणाम और मेरे जो पितामह है वो दादा मेरे तीर्थपति तीर्थंकर परमात्मा, बराबर। अभी तो आदि अहम वासुदेवम, अभी मैं और वासुदेव भी बनूंगा, आदि अहम वासुदेवा नाम मतलब मैं वासुदेव भी बनूंगा, पिता में चक्रवर्ती नाम, पिता मेरे चक्रवर्ती है और पिता महो जिनेन्द्राणाम ममा हो, मेरे दादा मेरे पिता म जिनेन्द्र परमात्मा आज है, उत्तमम ममा हो उत्तमम कुलम, मेरा कुल सर्वोत्कृष्ट है उत्तम है। ये सोच के वो हाथ में ले लेकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे कूद रहे, और वो भी और भी और उन्होंने क्या सोच लिया वो भी सुनिए। मैं पहला वासुदेव, सब में पहला, हम लोग सबसे आगे पहले कुल में, बराबर, मेरा कुल सब में पहला है, मैं पहला वासुदेव बनूंगा, मैं पहला मुका नगरी में चक्रवर्ती बनूंगा, मैं अंतिम तीर्थंकर भी बनूंगा और इसलिए मेरा कुल सर्वोत्तम, पहला भी मैं और अंतिम भी मैं, वासुदेव पहला मैं, अच्छा पहले तीर्थंकर भी मेरा कुल वाले मेरे पिता मो दादा, वासुदेव में पहला मैं, चक्रवर्ती में मेरे पिता पहले, समझ में आ रहा है, मेरे पिता पहले चक्रवर्ती, वासुदेव में मैं पहला और तीर्थंकर में मेरे दादा पहले। देखिए वो कुल का अहंकार कैसे कर रहा है, हर जगह मेरे कुल को ही प्राधान्यता मिली और मेरा ही कुल पहले 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 आया। अब देखिए यहाँ समझने की क्या बात है पता है, बाय, समझने की बात ये है कि जो कुल के लिए वो अहंकार कर रहा है वो कुल ऋषभदेव के उत्पन्न होने पे तो हुआ है, ये कुल शाश्वत तो है नहीं, बराबर बराबर। उससे पहले तो यहाँ पे युगली काल चल रहा था, मनुष्य काल हुआ ऋषभदेव भगवान के बाद, तभी तो ये कुल चालू हुआ, इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकु वंश। तो यहाँ हमारे लिए यही समझना है कि जब कुल ही शुरू होता है और बंद होता है, यानी कि कुल ही सनातन नहीं है, कुल ही हमेशा के लिए शाश्वत नहीं है, तो किस चीज का अहंकार करना, समझ में आ रहा है। अब मरीचि का अहंकार व्यथा है कि नहीं, इसकी जगह नमो तीर्थस्य होता तो क्या होता है? बोलो, इसकी जगह, हाँ इसकी जगह उसने ऐसा सोचा होता कि तीर्थंकर परमात्मा भी मेरे पिता भी बने हैं, मैं भी बनूंगा, मतलब कि इस तीर्थपति में बाकी की दूसरे तीर्थंकर हो रहे उसमें हम लोगों को मौका मिला, उसके लिए तीर्थपति को तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करूं, तो बोलो ये अभिमान लगता ही नहीं उसको, ये अभिमान अहंकार की जगह अनुमोदना हो जाती कि नहीं तीर्थपति की, उल्टा हो जाता ना, पुण्य बंद हो जाता ना उसकी जगह पाप का बंद, हाँ
આટલો ભાવ ફરવું જ ના પડત. અને ઉપર સે અનુમોદન થઈ ગઈ હોત તો કદાચ એને ભવે નીકળી ગયા હોત. પણ પેલા 27 ભાવ મંડાઈ ગયેલા છે ને આગળ, એટલે હવે આ નવો કર્મબંધ થયો. 27 ભાવ બાંધ્યા પછીનો કર્મબંધ છે આ. 27 ભાવ નક્કી હો ગયે, સમ્યક દર્શન હો ગયા, તો સમ્યક દર્શન મેં 27વા ભાવ અંતિમ માર્શ મહાવીર સ્વામી તક ઉનકો એક કોડા કોડી સાગરો પર ઘૂમના હૈ કે નહીં, ઇસકે લીએ યે નિમિત્ત બના. ને તો એસા નિમિત્ત હોતા સોચો આપ, એસા નિમિત્ત હી નહીં હોતા. અબ 27 ભાવ તક તો ઉનકો ઇતને ભાવ તો બાકી કે લેને થે, ઉસમે સે વાસુદેવ કા ભી લેના હૈ. અબ વાસુદેવ કા લેને કે બાદ તો નારકી મે જાના પડેગા. અચ્છા, ચક્રવર્તી કા ભી લેના હૈ, ચક્રવર્તી કે બાદ ભી તો કોઈ લંબી યાદ દેવલોક યા નારકી આયેગી. ચક્રવર્તી મેં નારકી આયેગી, ક્યુંકી મોક્ષ તો હોગા નહીં પ્રિય મિત્ર. ચક્રવર્તી કે બાદ મોક્ષ તો હોગા નહીં, તો નારકી આયેગી ના. તો ઇતને લંબે ઘૂમને કે લીએ ઉન્હોને યે મદ કિયા હૈ ઓર યહાં સમ્યકત્વ છોડા હૈ. યા દો ચીજ હુઈ, એક તો મદ હુઆ, દૂસરા સમ્યક દર્શન ભી ગયા. ચલો, ઇસ પ્રકાર સે વાસુદેવ મેં મેં પહેલા, ચક્રવર્તી મેં મેરે પિતા પહેલે, તીર્થંકરો મેં મેરે દાદા પહેલે, તો ઇસલીએ મેરા કુલ સર્વોત્તમ હૈ. ઇસ પ્રકાર સે કુલ કા મદ કરને સે મરીચીને નીચ ગોત્ર કર્મ બાંધ લિયા. બરાબર. જો મનુષ્ય જાતિ લાભ કુલ ઐશ્વર્ય બલ રૂપ તપ ઓર વિદ્યા, દેખિએ આઠ ચીજ, આઠ પ્રકાર કે મદ હૈ. મેં નામ બોલ રહી હું, જાતિ મદ, લાભ મદ, કુલ મદ, ઐશ્વર્ય મદ, બલ મદ, રૂપ મદ, તપ મદ ઓર વિદ્યા મદ. દેખે વિદ્યા કા ભી મદ ચડતા હૈ, અભિમાન નહીં કરના ચાહીએ. બરાબર. જાતિ કા તો બિલકુલ નહીં. હમ મનુષ્ય બને હૈ, હમ જૈન હૈ ઇસલિએ સબસે બેસ્ટ હૈ, બાકી સારે હિન્દુ વિન્દુ સબ ઠીક હૈ, મુસલમાન તો બિલકુલ બેકાર. એસા કભી નહીં સોચના હૈ હમકો. આપકો વહાં નહીં જાના મિલા હૈ ના, નસીબ સમજો હૈ કે નહીં. પર જૈન કા મદ નહીં હોના ચાહીએ, એસે લાભ મદ ભી નહીં હોના ચાહીએ. દેખો સારી ચીજ મુજે હી મિલ રહી હૈ, તુમ લોગ તો બિલકુલ ભી પુણ્યશાલી હોઈ નહીં, તો એ ભી મદ હો ગયા. કુલ મદ, મેરા હી કુલ શ્રેષ્ઠ. ફિર ઐશ્વર્ય મદ, જો મેરે પાસ પૈસા વૈસા સબ હૈ વો કિસી કે ભી પાસ નહીં હૈ. બરાબર. તો યે ભી ઐશ્વર્ય મદ હુઆ. ઉસકે બાદ બલ મદ, તાકત કા મદ. તાકત કી મદ તો બહોત હોતી હૈ. તાકત કા ઇસ્તેમાલ કરકે દૂસરો કો હમ બતાતે હૈ કે દેખો તેરે અંદર ક્યા ખાઓ પીઓ તો તાકત આયેગી. હમ એસા ઉપર સે બોલ દેતે હૈ ના, કે તો બાર બાર બોલા જાતા હૈ. તો બલ મદ તો બિલકુલ નહીં કરના હૈ. રૂપ મદ, ભાઈ મેં સુંદર હું તો યે ચીજ મુજે હી મિલની ચાહીએ, ઓર મગર મિલ ગયા, આપ મિસ વર્લ્ડ બન ગયા તો આપ ઓર ઉપર ચલો, બાકી સબકો તુચ્છ સમજો, તો યે રૂપ મદ હો ગયા. ફિર તપ મદ, તપ ક્યા હૈ, કર રહે હો, અગલા નહીં કર રહા હૈ ઉસકો બોલો, આપ યે નહીં કર રહે હો, યે શુરુ કરો, યે ક્યું નહીં હો રહા હૈ. દેખિએ હરેક કી એક મર્યાદા હોતી હૈ, મર્યાદા મેં ખાસ યે મર્યાદા હોતી હૈ કે આપકી શરીર કી અનુકૂળતા હોગી તો હી તપ હો પાયેગા, નહીં તો નહીં હો પાયેગા. બરાબર. શરીર કી પ્રતિકૂળતા હોગી તો વો વ્યક્તિ તપ નહીં કર પાયેગા. તો ઇસ ચીજ કો તપ કરને વાલે કો ખાસ સમજના ચાહીએ, હૈ ના. ઓર વિદ્યામદ, વિદ્યામદ મેં તો કબ ગિર જાયેંગે નહીં પતા. જ્ઞાનાવરણ ઉસી કો લગેગા જો જ્ઞાની હૈ, સમજિયેગા. વિદ્યા હૈ તો જો સવાલ પૂછને મેં આયે ઉસકા જવાબ ઉસકો દેના હી પડેગા. પરમાત્માને ગોશા લગ જાનકર ભી કે યે વ્યક્તિ અયોગ્ય હૈ યા યે તેજોલેશ્ય કા ગલત ઉપયોગ કરેગા, ફિર ભી તેજોલેશ્ય સિખાઈ, ફિર ભી તેજોલેશ્ય કી રીત ઉસકો બતાઈ. ઉનકે ઉપર હી પ્રયોગ હુઆ ના બાદ મેં, હા, ફિર ભી ઉન્હોને સિખાઈ. ક્યુંકી જ્ઞાની કા યે ધર્મ હૈ, અગર પતા હૈ તો બતાઓ. ઇસ પ્રકાર સે આઠ મદ, જો ભી યે આઠ મદ કરતા હૈ ઉસે ભવાંતર મે જો ચીજ કા ઉસે મદ કિયા હો વો વસ્તુ ઉસકો હીન હી પ્રાપ્ત હોગી. ઇતના યાદ રખિયેગા. યહાં કુલ મદ હુઆ હૈ,
मरीची ने कुल मद किया है कि मेरा कुल जैसा कोई और कुल है ही नहीं, सर्व में प्रथम ऐसा मेरा कुल है और मैं खुद प्रथम हूँ हर जगह, और ये कारण था कि उसने कुल का मद किया, इसलिए मरीची ने नीच गोत्र कर्म बांध दिया। और भवांतर में ये उदय में आना है उसको, तो अब भगवान के निर्वाण होने पर भी मरीची साधुओं के साथ ही विचर रहा है और उनके उपदेश से उपदेश अनेक मुनियों को प्रति बोध करके मुनियों को शिष्यतया समर्पण करता है। वैराग्य प्राप्त करके जो दीक्षा ग्रहण करना चाहे उसको वो साधुओं के पास भेज देता है। एक दिन मरीची बीमार हो गया, उस समय उसे कोई पानी तक देने के लिए नहीं आया, तो तब उसने सोचा कि देखो इतने परिचित होने पर भी ये साधु मेरे प्रति बेपरवाह है, सबको मैंने वैराग्य, मेरे पास आए थे, वैराग्य हुआ, मैंने उनको साधुओं के पास भेजा, उधर दीक्षा देने के लिए भेजा, और आज मेरे पास कोई नहीं है, और जब अब मैं अगर निरोगी जब भी मैं हो जाऊँ, अब मेरे पास कोई भी आएगा उसको मैं मेरे पास ही रखूँगा, मैं वहाँ नहीं भेजूँगा, ऐसा वो सोच रहा है। और सोचते 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 एक दिन, कुछ दिन बाद वो निरोगी तो हो गया था, एक दिन ऐसा कपिल नाम का एक राजकुमार वहाँ आया, और वो राजकुमार मरीची की देशना सुनकर, बातें सुनकर उसका वैराग्य उसको प्राप्त हो गया, और उसको वो कपिल राजकुमार ने, कपिल राजकुमार था, हाँ आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता था, तो ये राजकुमार कपिल ने कहा कि स्वामी मैं तो आपके दर्शन में व्रत ग्रहण करूँगा, मुझे व्रत ग्रहण करना है लेकिन आपके दर्शन में करना है, दर्शन यानी कि आपका जो पथ है उसी में, आप जैसे रह रहे हो वैसे मुझे रहना है। मरीची बोला कि कपिल, साधु मन वचन काया से दंड से रहित है पर मैं वैसा नहीं हूँ, साधु सारे दंड से रहित है, तीनों मन दंड वचन दंड काय दंड से रहित है पर मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे पास तीनों दंड है, इत्यादि मरीची ने अपनी समस्त त्रुटियां बताई है, बताई ऐसा नहीं बताया, बताई भी है। और भारी कर्मी कपिल, कपिल भी भारी कर्मी था, वो उनके साथ ही रहना चाहता था, ये भी तो हम जानते हैं कर्म बंध था, ये गौतम का ही जीव था, प्रभु महावीर जो बनने वाले थे तब जो गौतम प्रथम शिष्य उनके गणधर थे वही जीव था, ये दोनों जीव एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं थे, ये निमित्त था, बराबर। आप गलती करो, साथ वाला भी गलती करे, इसका अर्थ ये हो गया कि एक निमित्त है ये, भविष्य में भी दोनों को साथ में रहना, इसलिए वो आज आपको छोड़ना नहीं चाहता है ना। हाँ, कितनी सारी चीजें हमें सीखने को मिल रही है इससे, कि ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके साथ आज अगर ये व्यवहार कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये व्यक्ति आपके साथ ही रहना चाहता है और भवंतर में भी रहने वाला है, तभी वो आपको नहीं छोड़ रहा है, बराबर बराबर, याद रख जो दक्षा काश्मीर भवंतर में छोड़वानू नहीं, એટલે જ રહો છો સાથે, રાઈટ રાઈટ અને અમિતાબેન તમે જોડાઈ ગયા હવે, चलो। तो कपिल ने कहा कि नहीं, मैं तो आपके पास ही धर्म ग्रहण करूंगा, बराबर। तो मरीची ने जवाब दिया है उसको बहुत अच्छे से कि मरीची ने अपनी सारी त्रुटियां बताई है, पर जो कपिल भारी कर्मी था उसको भी 27 भव घूमने बाकी थे ना, बाकी के भव तो बाकी थे उसके भी, ये तीसरे ही भव में मिले सब, भगवान के 27 भव तक कपिल को भी तो घूमना ही था, इसीलिए उसने वहां से जाने के लिए मना कर दिया। और वो परांगमुख होके बोला, कपिल परांगमुख होके बोला, मतलब थोड़ी उल्टी वाणी में बोला, क्या आपके दर्शन में सर्वथा धर्म नहीं है, क्या क्या आपके धर्म में, आपके दर्शन में धर्म ही नहीं है, ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर मरीची ने विचारा कि ये मेरे योग्य शिष्य मुझे मिला है, जैसा मैं हूं वैसा ये भी है और ये मेरे ही तरह रहना चाहता है, इसीलिए मरीची ने यहाँ पर उसको जवाब दिया है कि कपिल, जैन दर्शन में भी धर्म है और मेरे दर्शन में भी धर्म है। देखिए यहाँ क्या कर दिया कपिल ने, मरीची ने एक और गलती कर दी, आज तक वो जैन दर्शन को ही श्रेष्ठ मान रहा था, आज तक वो ये मान रहा था मेरे से नहीं हो रहा इसलिए मैं ये अवस्था में रह रहा हूँ, इसलिए सारे साधु को वहां भेज रहा था, अब उसको साधु की आवश्यकता पड़ी है, उसने ये कह दिया कि वहां भी जैन दर्शन में भी धर्म है और मेरे दर्शन में भी धर्म। तो अब आपको यह हमारे लिए बहुत क्लियर है कि वो ये जैन दर्शन था तो अन्य दर्शन यहीं से शुरू हुआ है, बराबर। हाँ
बराबर। तो ऐसी उत्सूत्र प्ररूपणा की, उसने उल्टी प्ररूपणा की कि हाँ वो भी धर्म है यहाँ भी धर्म, तो ये उत्सूत्र प्ररूपणा हो गई। मतलब कि दोनों में धर्म तो संभव नहीं है ना, ये जो जिस प्रकार से मरीचि रह रहा है वहां धर्म कहाँ है? अगर वहां भी धर्म होता तो भगवान भी ऐसे नहीं रहते क्या, बताओ? भगवान भी ऐसे ही रहते ना, भगवान क्यों जो अलग रीत से रह रहे हैं? वैराग्य का अर्थ ही है सब कुछ छोड़ना, वैराग्य का अर्थ ही है कि शरीर को भी छोड़ना। यहाँ शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता, लेकिन शरीर की जो जरूरत है उसको टाला जाता है। अगर हम शरीर की ही जरूरत पूरी करेंगे तो होगा क्या, आप शरीर प्रिय हो जाओगे तो अगले जन्म में जो प्रिय हो, जिसकी जरूरत आप पूरी कर रहे हो, वो सबसे पहले आके मिलेगा कि नहीं? अगर आपको अगला जन्म ही नहीं चाहिए तो शरीर की आड़ पंपड़ छोड़नी पड़ेगी कि नहीं, बताओ? छोड़नी पड़ेगी। शरीर को एक साधन समझना पड़ेगा और साधन समझ के उस साधन से मोक्ष की यात्रा करनी पड़ेगी, मोक्ष को साधना पड़ेगा। साधन शरीर है, आपकी आत्मा साधक है, और साध्य कौन है? मोक्ष। साध्य कौन है? साध्य करना मतलब किसको साध्य करना चाहते हो आप? तो साधन साध्य साधक का संबंध कहां तक रहेगा? साधक साधन का संबंध कहां तक रखेगा? मोक्ष तक ही ना, बाकी नहीं ना? नहीं। तो आप उसका संबंध टेम्पररी रखोगे तो ही अच्छा है, अगर उसी के पीछे भागे तो कहां से आपका मोक्ष कहां से हो पाएगा? अगले जन्म में आपको वही साधन वापस मिल जाएगा, है ना? अगर आप उसको भोग का साधन मानोगे तो भोग मिलेगा, आप उसको मोक्ष का साधन मानोगे तो मोक्ष मिलेगा। बराबर बराबर। तो जैन दर्शन और अन्य दर्शन में यही फर्क है। कपिल ने मरीचि के पास दीक्षा ले ली और मरीचि ने ये जो कहा कि जैन दर्शन में भी धर्म है और मेरे दर्शन में भी धर्म है, इसी के कारण उसने कोटा कोटि सागर प्रमाण संसार उपार्जन कर लिया। बराबर। तो देखिए यहाँ उसने मिथ्यात्व का उदय वापस लाया है, समझ में आ रहा है? ये बोल के मिथ्यात्व का उदय आया कि नहीं आया? आया। और इस कर्म की आलोचना किए बिना, आलोचना की नहीं, देखिए आलोचन कर लेता तो बहुत अच्छा होता, पर आलोचन तो वो करेगा ना जो उसको गलत मानता है। अगर आप ऐसा मान भी लो, कुछ समय निकल जाए, उसके बाद वो गलती मानो और फिर आलोचना ले लो, तो आप उससे बच पाओगे। बराबर। तो आलोचना किए बिना ही 84 लाख पूर्व की आयु पूरी कर दी और मरने के बाद चौथे ब्रह्म लोक में वो 10 सागरोपम की स्थिति वाला देव बना। मरीचि यहाँ चौथे भव में आया है, वहां से 10 सागरोपम पूरा करके कोल्लाक नाम के ग्राम में 80 लाख पूर्व की आयु वाला ब्राह्मण हुआ। 80 लाख पूर्व आयु। बराबर। ये तो यहाँ नहीं होगा ना, पांचवें भव में कोल्लाक सन्निवेश में मतलब महाविदेह में हुआ वो, क्योंकि यहाँ तो चौथा आरा चल रहा है, यहाँ तो चौथा आरा चल रहा है, तो यहाँ तो ये 80 लाख पूर्व का समय आएगा भी नहीं उसको। शायद आ भी सकता है, शायद आ भी सकता है, क्योंकि ये अब ज्यादा से ज्यादा तो अजितनाथ भगवान के समय तक पहुंचा होगा, उसे ज्यादा नहीं। बराबर। हाँ, अति विषयाक्त हुआ वहां पे, अति विषयाक्त हुआ। देखिए अभी सम्यक दर्शन चला गया तो ब्राह्मण कुल में जन्म और विषयाक्त, विषय में विषय में विषय में इतना वो, क्योंकि सम्यक दर्शन चला गया, मिथ्यात्व वापस आ गया, तो अंत में त्रिदंडी बनकर मरा। बीच में बहुत काल तक वहां से छठे भव में स्थूणा नगरी में 72 लाख पूर्व की आयु वाला पुष्प नाम का ब्राह्मण हुआ। देखो अब यहां से पांचवें भव से आयु पूर्ण करने के बाद वो छठे भव में वापस ब्राह्मण ही हुआ है और त्रिदंडी होकर ही मरा है। वापस सातवें भव में सौधर्म देवलोक की मध्यम स्थिति का देव हुआ। वहां से निकल के आठवें भव में चैत्य ग्राम में 60 लाख पूर्व की आयु वाला अग्निद्योत नाम का ब्राह्मण हुआ और अंत में त्रिदंडी होके मरा। वहां से नौवें भव में ईशान देवलोक में मध्यम स्थिति वाला ईशान देवलोक में देव हुआ।
वहां से चवित होकर दसवें भव में मंदर ग्राम में 56 लाख पूर्व की आयु वाला अग्निभूति नामक ब्राह्मण हुआ। वो बहुत बार महाविदे में गए हैं, इसलिए वहां की आयु, वहां का समय, वहां का बहुत लंबा समय उन्होंने वहां पे बिताया है। बराबर वहां से नौवें भव में ईशान देवलोक में मध्यम स्थिति वाले देव हुए। वहां से चवित होकर दसवें भव में मंदर ग्राम में 56 लाख पूर्व की आयु वाला अग्निभूति नाम का वो ब्राह्मण त्रिदंडी हुए। 11वें भव में तीसरे कल्प में मध्यम स्थिति वाले देव हुए। फिर 12वें भव में श्वेतांबी नगरी में 44 लाख पूर्व आयु वाले भारद्वाज नाम के ब्राह्मण हुए और त्रिदंडी होकर मरे। उसके बाद 13वें में महेंद्र कल्प में मध्यम स्थिति वाले देव हुए। वहां से फिर कुछ काल तक वहां से 14वें भव में राजगुरु नगर में 34 लाख पूर्व की आयु वाले स्थावर नाम के ब्राह्मण हुए। बराबर अंत में त्रिदंडी होकर 15वें भव में ब्रह्मलोक नाम के स्वर्ग में मध्यम स्थिति वाले देव हुए। देखिए यहां तक उनको सम्यक दर्शन नहीं आया है। 16वें भव में कोटि वर्ष आयु वाले विश्वभूति अणगार हुए। विश्वभूति युवराज नाम के युवराज हुए, राजा के पुत्र हुए और संभूति मुनि के पास उन्होंने दीक्षा ली। 1000 वर्ष तक घोर तप किया। एक मास समय मांस खमण के पारणे में, 1000 वर्ष का जो तप चल रहा था उसमें मांस खमण पे मांस खमण किए, कुछ 11 लाख जितने मांस खमण भी किए हैं। और मांस खमण के पारणे में, पारणे पे मांस खमण, वापस पारणे पे मांस खमण, ऐसे तप कर रहे थे। और उसमें उन्होंने मथुरा नगरी में गोचरी के लिए वो जा रहे थे, कायाक्रोश हो गई थी। मार्ग में एक गाय ने उनको सिंह से उड़ाया और तपस्या से क्रूश हो गए थे, इसलिए वो जमीन पे गिर पड़े। ये देखकर वहाँ पे विशाखा नंदी नाम से उसके चाचा के लड़का शादी करने के लिए वहाँ आया था और वो उसने देखा कि अरे ये मेरा पितराई भाई जो दीक्षा लेकर बैठा है वो उसको गाय ने उड़ा दिया। तो वो हंसा, जोर से हंसा और हंसते हुए ये बोला कि देखो देखो कैसा क्रूश हो चुका है, दीक्षा लेके क्या फ़ायदा किया, देखो मैं कैसा अलमस्त हूँ संसार में रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसने मजाक बना दिया, उसका उपहास्य अट्टहास्य करके उसका उपहास किया, मजाक बनाया। एक मिनट हाँ, ये उसे गुस्से में आकर विश्वभूति अणगार ने गाय को दो सींग से पकड़ के जोर से आकाश में घुमाया और ये नियाणा बांध लिया उसी वक्त कि मैंने आज तक जो भी तप किया है उसके प्रभाव से मुझे अतिशय बल मिले। बराबर जो भी मैंने तप किया है उसके प्रभाव से मैं अधिक बलवान से बलवान बनूं। और तब वहाँ से फिर बाद में वो मृत्यु हो गई उनकी और कोई भी आलोचना नहीं ली। इसीलिए 17वें भव में यहाँ से तो तपस्वी थे इसलिए मरने के बाद देव बने, वो महाशुक विमान में उत्कृष्ट स्थिति वाले देव हुए। बराबर अब देव होने के बाद देखिए अभी तक सम्यक दर्शन नहीं आया, जो भी हो रहा है तपस्या और वो तप के कारण वो वहाँ पहुँचे हुए। 18वें भव में पोतनपुर के राजा प्रजापति जो अपनी पुत्री का ही कामी बना था, पोतनपुर नगरी उसका राजा प्रजापति अपनी ही पुत्री को भोगने के लिए कामी बना हुआ था, उसको अपनी ही पुत्री का भोग करना था, ऐसा कामी था। उसकी पत्नी रूप मृगावती पुत्री की कुक्षी से 84 लाख वर्ष की आयु वाला त्रिपुरुष्ट नामक वासुदेव बना। देखिए कितना आपको समझने जैसा है कि ये जिसने जन्म लिया है उसका पिता खुद अपनी ही बेटी का भोगी और ऐसे पुत्र को ऐसे कामी बना था उसकी पत्नी रूप मृगावती पुत्री। मतलब कि उसका जो जन्म हुआ है ना समझने जैसा है वो। अब कैसे बताऊं मैं कि बाप ने बेटी से शादी की, पोतनपुर का राजा है वो और प्रजापति नाम है, उसने अपनी बेटी मृगावती से शादी की। ध्यान से सुनो, अपनी ही पुत्री से उसने विवाह रचाया
और वो पुत्री से पुत्र का उत्पन्न होना, ये है प्रति वासुदेव, त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव। ये कौन बने? त्रिपृष्ठ वासुदेव। अब आप ये सोचिए कि त्रिपृष्ठ वासुदेव, वासुदेव की उत्पत्ति कैसे हुई है? अपने नाना और माता की शरीर से। समझ में आई मेरी बात? चौरासी लाख वर्ष की आयु है उसकी, 84 लाख वर्ष। और वासुदेव बने हैं, बाल वय में ही वो प्रति वासुदेव के चावलों के खेत में उपद्रव करने वाले सिंह को शस्त्र छोड़कर उन्होंने चीर डाला। बाल वय में ही वो जो सिंह को मारा था ना, दो हाथों से चीरा था ना, वो बाल्य वय में ही किया था। और तब जो सारथी थे वो भी कपिल का ही जीव था, बराबर। और क्रम से उन्होंने वासुदेव पद भी प्राप्त किया, तीन खंडों को जीत के। और एक समय ऐसा हुआ, वासुदेव अपने शैया पालक को उन्होंने आज्ञा दी कि भाई मैं जब सो जाऊं, मेरे को नींद नहीं आ रही, आप गाना बजाओ, जब मैं सो जाऊं तब ये गाना बंद कर देना। मगर शैया पालक भूल गया, गाना इतना मधुर बज रहा था, वो खो गया, उसने देखा ही नहीं कि राजा कब सो गए हैं। तो अब सो गया, सोने के बाद उठा तब भी म्यूजिक चालू है, गवैयों को रोका नहीं था उसने। तो उसने शैया पालक को बुलाया और पूछा कि भाई मेरी, मैं तो निंद्रा में चला गया था, तूने देखा क्यों नहीं, और ये गाना क्यों नहीं बंद कराया? और अब गाना चल रहा है इसलिए मेरी निंद्रा तुरंत खुल गई। तो गुस्से से कुपित होकर बोले, तब वो बोला कि अरे गवैया को तूने रोका नहीं है, हमारी आज्ञा से भी तुझे संगीत अधिक प्रिय लगा। ऐसे गुस्सा आया उसको, बहुत गुस्सा आया, और इतने गुस्से में उन्होंने शैया पालक को मात्र फल चखाने के लिए ऐसी सजा दी कि दोनों कानों में गरम गरम शीशा डलवाया उसके दोनों कानों में। बहुत सुनने का शौक है ना, तेरे कान ही मैं अभी बजा देता हूँ, ये बोल के उसने दोनों कानों में गरम गरम शीशा डलवाया। शैया पालक इस कृत्य के कारण, इसी उनके इसी कर्म के कारण, जब परमात्मा के भव में उनके कानों में वो किले ठोके गए, किले, बराबर। हाँ, ये कर्म, सलाखें ठोके गए, ये कर्म का उन्होंने उपार्जन किया। तो ऐसे अनेक दुष्ट कर्म, ये तो खाली दो ही बताए हैं, क्योंकि ये दो कर्म बाद में उत्पन्न हुए हैं, सबको पता है इसलिए। बाकी अनेक दुष्ट कर्म कर करके वो सातवीं नरक में जन्म लिया उन्होंने। सोचो आप, हर एक वासुदेव सातवीं नारकी में नहीं जाते, लेकिन ये वासुदेव ही ऐसे ही दुष्ट थे, क्योंकि सम्यक दर्शन था ही नहीं ना, सम्यक दर्शन था ही, आया भी नहीं, निमित भी नहीं बना, इसीलिए वो सातवीं नरक, कृष्ण भी सातवीं में ही जाने वाले थे। अगर वो निम्नाथ भगवान का जो उन्होंने वंदन किया वो नहीं करते तो वो सातवीं में ही होते, होते कि नहीं? हाँ, वो भी सातवीं में ही होते। तो इस प्रकार से वो सातवीं नरक में उत्पन्न हुए, वहां से निकलकर 20वें भव में वो सिंह बने, सिंह। अब वहां से भी मरने के बाद 21वें भव में चौथी नारकी में वो नारक बने हैं। देखिए, अब हमको ये समझना है कि नरक में जाने के बाद क्या होता है। वहां से वो निकले हैं और सिंह बने, सिंह बनने के बाद भी तो सबको मारेंगे और खाएंगे ही ना। तो वहां से मरने के बाद, सिंह भव में से भी मरने के बाद 21वें भव में चौथी नरक में गए, क्योंकि सिंह बन के भी कोई सम्यक दर्शन तो है नहीं, नहीं। वापस चौथी नारकी में गए। अब चौथी नारकी से बाहर निकलने के बाद सीधे 22वें भव में मनुष्य गति में आए। तो अब वो धीरे 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 जो उनका जो त्रिपुरुष वासुदेव का पाप कर्म था, वो सातवीं नारकी, चौथी नारकी सब में भोग कर आए ना। हाँ, और बाकी तिर्यंच गति में जो भोगते हैं वो उसका इतना बंद नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो भव के रिलेटेड उनको ऐसे कर्म करने हैं ना। बोलो, अब अगर कोई तिर्यंच में आप जाओ, सम्यक दर्शन हो जाए तो आप अन्नपान सब छोड़ दोगे, लेकिन नहीं होगा तो जानवरों को मारोगे, तो वो तो उनका काम है ना, उनका आहार है, उसके बगैर वो कुछ खा पाएंगे? बताओ, नहीं, नहीं।
ये उनकी नैसर्गिक स्थिति है, इसलिए उतने कर्म नहीं चढ़ते। आओ, तो इसके बाद वो मनुष्य गति में आए और 23वें भव में, 22वें भव में भी मनुष्य जन्म मिला, 23वें भव में मुका राजधानी में धनंजय राजा की, अब ये यहाँ चक्रवर्ती बने हैं। धारिणी देवी की कुक्षी में 84 लाख पूर्व की आयु वाला प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती हुए, अभी भी यहाँ चक्रवर्ती बने हैं। चक्रवर्ती बनने के बाद भी क्या स्थिति है, उसके बाद भी उसको हम देखेंगे। तो अब तो 23वां भव आ गया है, चक्रवर्ती बने हैं, पोटिलाचार्य के पास उन्होंने दीक्षा भी ली, चक्रवर्ती ने पोटिलाचार्य के पास दीक्षा भी ली और 1 करोड़ वर्ष तक दीक्षा पर्याय पाल के 24वें भव में महाशुक्र देवलोक में वो देव हुए। तो ये भी एक यहाँ नियम नहीं है ऐसा कि चक्रवर्ती अगर दीक्षा ले तो मोक्ष ही जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है, बराबर। हाँ, चक्रवर्ती या तो नरक में जाएगा या मोक्ष में जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि परमात्मा का ही जीव चक्रवर्ती प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनने के बाद भी उसी भव में 1 करोड़ वर्ष तक दीक्षा पर्याय पाला है, लेकिन फिर भी अभी भव बाकी है ना, कहाँ से मोक्ष होगा बताओ, ऊपर भव लगे हुए है, मोक्ष होगा ही नहीं ना, कितनी भी आप साधना करो, कर्म बाकी है अभी भोगना। इसीलिए अब ये चक्रवर्ती बनकर दीक्षा ली, 1 करोड़ वर्ष तक पाला, तो सम्यक दर्शन आ गया ना वापस, आ गया। अब वो यहाँ से इतना सम्यक दर्शनी बन के, इतने वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन करके 24वें भव में महाशुक्र देवलोक में देव हुए, बराबर। शुक्र देवलोक है, महाशुक्र देवलोक 7वां देवलोक है ये, और वहां पर वह देव बने हैं। वहां से निकलकर भरत क्षेत्र की छत्रिका नगरी में जीत शत्रु राजा की भद्रा नाम की रानी की कुक्षी में 25 लाख वर्ष की आयु वाले नंदन नाम के पुत्र बने। अभी भी यहाँ भगवान का 25वां भव है और वो भी 25 लाख वर्ष की आयु। अब 25 लाख की वर्ष की आयु और भरत क्षेत्र, तो ये कोई ना कोई तीर्थंकर परमात्मा का ही काल है ना, है ना। अब ये कौन सा काल है वो ढूंढ लेना चाहिए हमको, कि जहाँ 25 लाख वर्ष की आयु होती थी और ये नंदन नाम के पुत्र में पोटिलाचार्य के पास दीक्षा ग्रहण करके, वापस पोटिलाचार्य नाम क्यों आया, ऐसे यहाँ भी पोटिलाचार्य होंगे, वहाँ भी पोटिलाचार्य थे और यहाँ भी पोटिलाचार्य होंगे, वो महाविद्य के पोटिलाचार्य थे, यहाँ ये पोटिलाचार्य। पोटिलाचार्य के पास दीक्षा ग्रहण करके जीवन पर्यंत मांस खमण की तपस्या की, जीवन पर्यंत मांस खमण के पाने पे मांस खमण, ऐसे उन्होंने 20 स्थानक तप की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया और 1 लाख वर्ष तक चारित्र का पर्याय का पालन किया और मासिक संलेखना करके 26वें प्राणत कल्प में पुष्पोत्तरा वसंतक नाम के विमान में 20 सागरोपम की स्थिति वाले देव हुए, बराबर। आओ, तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करके, वहां से चलकर पूर्व में मरीचि के भव में उपार्जन किए हुए और भोगने में कुछ शेष बाकी रहे नीच गोत्र कर्म के प्रभाव से 27वें भव में ब्राह्मण कुंड नगर में ऋषभदत्त ब्राह्मणी की देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में प्रभु अवतरे हैं। इस कारण से इंद्र ये विचार करता है कि इस प्रकार नीच गोत्र के कारण कर्म के उदय से अरियंत चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव, उनका अवतरण तो तुच्छादि नीच गोत्र में हुआ है, बराबर। आप ये सोचिए कैसे थे वो अरिहंत, चक्रवर्ती भी थे और वासुदेव भी बने कि नहीं बने। हाँ, और फिर भी आए कहाँ, नीच गोत्र, और नीच गोत्र में हुआ है, होता है और होगा।
ठीक है। तो पूर्वोक्त उत्तम पुरुष भूत वर्तमान और भविष्य काल में माता के गर्भ में आए और आएंगे, लेकिन उन कुलों में योनि द्वारा उनका जन्म ना हुआ, ना होता है, ना कभी होगा। इनका जन्म योनि द्वारा कभी नहीं होता है, ये समझना है। वो वहाँ सीधे अवतरण करते हैं, बराबर। अब श्रवण भगवान महावीर प्रभु जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर में ऋषभ दत्त भगवान की स्त्री देवानंदा की कुक्षी में गर्भतया उतरे हैं। इसलिए देवताओं के इंद्र राजा शक्रेंद्र का ये आचार है, भूत वर्तमान भविष्य इंद्रों का ये कर्तव्य है, उस प्रकार से स्वरूप वाले अंत्य तुच्छादि कुलों से अरिहंत आदि महान पुरुषों को उस प्रकार के उग्र भोग राजन्य उत्तम कुल जाति वंश में लाकर रखना। इसलिए अपने कर्तव्य के अनुसार मुझे भी ऋषभदेव स्वामी के वंश के क्षत्रियों में विख्यात ऐसे काश्यप गोत्रीय सिद्धार्थ राजा की वासिष्ठा गोत्री या पत्नी त्रिशला की कुक्षी में प्रभु महावीर को रखना चाहिए। देखिए ये उनको ये ख्याल आया, और जो त्रिशला क्षत्रिय यानी का पुत्री रूप में जो गर्भ है उसको वहां से लाकर जालंधर गोत्रिया देवानंदा की कुक्षी में रखना चाहिए, ये उनको ये ख्याल आया, बराबर। इस प्रकार का विचार करके इंद्र अपने सेनापति हरिणी गमेशी देव को बुलाते हैं, और मन में जो संकल्प हुआ उसका आद्योपांत बराबर उसी प्रकार से उसको बताते हैं, और कहते हैं कि आप जाओ, और देवेंद्रों का ये कर्तव्य है, इसलिए तू जा देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से भगवान को ले और क्षत्रिय या त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में रख, और वहाँ से जो स्त्री रत्न है, स्त्री है, स्त्री का गर्भ है, उसको वहाँ से ला और देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में रख दे। तो इस प्रकार से हरिण गमिषी देव उत्सुकता से, बड़ी उत्सुकता से उनकी आज्ञा मानते हैं, विनय पूर्वक हाथ जोड़कर जैसी देवकना ककर दौड़ के वो उनके वचन को स्वीकार करते हैं। ईशान कोण में जाके अपना वैक्रिय शरीर बनाते हैं, असंख्य योजन प्रमाण दंडाकार करके उसको विशेष, उसके नीचे विशाल पुद्गल जीव प्रदेश के पुद्गल समूह को वो बाहर निकालते हैं। और वैक्रिय शरीर बनाने के लिए, ये वैक्रिय शरीर कैसे बनाया जाता है उसका विवरण है, हम कल करें। हाँ, कल कितना वागे लो, बोलो।